उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नमाज के दौरान मस्जिद में हुए धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हमले में 40 लोग जख्मी हुए। काबुल में कोहराम मचा है। एक के बाद एक होते धमाकों की गूंज से राजधानी दहल उठी है। इस बार वहां की एक मस्जिद को निशाना बनाया, जिसमें नमाज पढ़ने गए 30 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रहे ऐसे हमलों से अफगानिस्तान की धरती धधक रही है। चारों ओर पसरा मौत का ये मातम इसी बात की गवाही दे रहा है कि तालिबान की सत्ता में वापसी अफगानिस्तान की सरजमी पर कितनी भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें काबुल की मस्जिद की हैं, जहां हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं और अपने आंसू बहा रहे हैं। ये धमाका मगरिब की नमाज के वक्त हुआ, जिसमें मस्जिद के इमाम अमीर मोहम्मद काबुली भी मारे गए। हालांकि तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद तालिबान के प्रतिद्वंदी आईएस ने पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं और इस हमले के पीछे भी उसी आतंकी संगठन के होने का शक है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।